अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमज़ात से मुतालिक मैंने आपको चंद एक दुरूस दिए थे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमज़ात जब मैयत को आप दफनाते हैं तो फिर हमज़ात के साथ क्या करना चाहिए। आज जो कुरानी वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, मशायख से मनकूल है कि अगर मैयत पर दफन के वक्त 3 बार इस आया मुबारका को पढ़कर मिट्टी दी जाए तो इसका हमज़ात शैतान जो होता है वो उसके साथ ही दफन हो जाएगा। ये आया मुबारका सूरह ताहा की आया नंबर 55 है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, कुरान करीम में सूरह ताहा की आया नंबर 55, और आपने इस आया मुबारका को सुना भी होगा बहुत दफ़ा, स्पेशली इन मौाक़े पर, तजहीज़ तकफीन वगैरह के मौाक़े पर। बहरहाल आया मुबारका कुछ इस तरह है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, मिन्हा इसी ज़मीन से खलकनाकुम तुम्हारी तख्लीक़ की, व फीहा नुईदुकुम और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, और इसी में से व मिन्हा और इसी में से नुखरिजुकुम तुम्हें निकालेंगे एक मरतबा फिर, तारतन उखरा एक दफ़ा फिर निकालेंगे। तो इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी में से हम तुम्हें एक मरतबा फिर निकालेंगे। ये आया मुबारका सूरह ताहा की आपने 3 बार इस आयत को पढ़कर मिट्टी डालनी है, इंशाअल्लाह ताला हमज़ात शैतान भी दफन हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन दुरूस की MP3s हासिल करने के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोज़ देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।